आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ एकदम नए तरीके के बहुत ही सुंदर स्वादिष्ट खस्ता समोसे। और ये जो समोसे हैं, ये हमारे वो कॉमन वाले समोसे नहीं है, ये बहुत ही सुंदर और एक्स्ट्रा क्रिस्पी, जिसे बनाना इतना आसान है कि जो समोसे में समय लगता है ना आपको उसका आधा भी नहीं लगेगा। और आज के ये स्पेशल समोसे में आपको स्वाद मिलेगा समोसे का भी, मठरी का भी, कटलेट्स का भी। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप लीजिए एक बड़ा बर्तन इस तरीके का, और इसमें मैं ले रही हूँ 2 कप मैदा। मेजरमेंट के लिए 1 कप सेट कर ले, उसी अनुसार सारी चीजें ले लें। और 2 कप इसमें हम डालेंगे फ्लेवर के लिए 1/2 छोटी चम्मच अजवाइन। तो इस तरह हाथ से क्रश करके अजवाइन डालेंगे। और अब इसमें डाल देंगे 1 छोटी चम्मच नमक स्वाद अनुसार। और एकदम खस्ता बनाने के लिए समोसे में हम डाल रहे हैं 1/4 कप, मान के चलिए 3 बड़ी चम्मच है ऑयल। आप घी भी डाल सकते हैं। हम इन सभी चीजों को पहले अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से मैदा के साथ सब चीज़ें क्रम्बल कर लीजिए, जैसे कि रेशे रेशे में अच्छे से ऑयल का मोइन इसमें चला जाए, तभी तो जो हमारे नए समोसे हैं वो बनेंगे एकदम खस्ता। अब आप इस तरह बांध के देखें तो देखिए ये पूरा बंध रहा है, इसका मतलब हमारा जो मोइन हमने डाला है ऑयल वो बिल्कुल परफेक्ट है। अब हम इसमें डालेंगे थोड़ा थोड़ा करके पानी, बहुत थोड़ा सा डालेंगे पहले, अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसका एक कड़ा आटा लगाएंगे, यानी ना तो बहुत ज़्यादा टाइट और ना ही बहुत ज्यादा सॉफ्ट, एक सेमी सॉफ्ट आटा आप बोल सकते हैं हमें लगाना होगा। मान के चलिए कि जो पूरी का आटा हम लगाते हैं उसे थोड़ा सा मुलायम। और ये देखिए अच्छी तरीके से मैंने आटे को गूंथ लिया है, और ये देख सकते हैं आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट नहीं है, सेमी सॉफ्ट हमने आटे को लगाया है। तो चलिए इसको ढक करके रख देते हैं लगभग 15 मिनट के लिए। 15 मिनट में ये बढ़िया सेट हो जाएगा। 1/2 कप + 2 बड़े चम्मच के करीब पानी इसको गूंथने में लगा है। तो जब तक आटा सेट हो रहा है तो झटपट से तैयार कर लेते हैं समोसे की बहुत ही चटपटी बढ़िया सी फिलिंग। तो उसके लिए मैंने लिया है यहाँ पर 2 उबले हुए आलू, जिन्हें मैंने ग्रेट कर लिया था। 2 बड़े साइज के उबले हुए आलू लिए थे मैंने। और ये जो हम फिलिंग बना रहे हैं ना, ये बिल्कुल इंस्टेंट फिलिंग है, बहुत कम मेहनत में एकदम स्वादिष्ट चटपटी फिलिंग आप तैयार कर सकते हैं। अब इसमें हम डालेंगे 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, बारीक कटा हुआ हरा धनिया, 1/2 छोटी चम्मच लाल मिर्ची पाउडर, स्वाद अनुसार नमक, 1/4 छोटी चम्मच गरम मसाला जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आप उसे जरूर देखें, 1/4 छोटी चम्मच हल्दी, 1 छोटी चम्मच चाट मसाला, अगर आप चाट मसाला नहीं डालना चाहते तो आमचूर पाउडर या नींबू का रस भी डाल सकते हैं। मैं इस क्रिस्पी समोसे की फिलिंग को जरा बढ़िया सा बना रही हूँ, चटपटा सा, इसलिए मैं उस हिसाब से मसाले डाल रही हूँ, आप इसमें वेरिएशन कर सकते हैं। और मैं अब इसमें डाल रही हूँ 2 बड़े चम्मच बारीक कटी हुई प्याज, इसको डालना ऑप्शनल है, अगर आप प्याज नहीं लाइक करते तो ना डालें। अब यहाँ पर हम एक चीज और डालेंगे, वो है चावल का आटा जो इसको बाइंडिंग देगा, क्रिस्प बनाएगा। तो ये वाली जो चम्मच है इसकी 4 बड़े चम्मच में चावल का आटा डाल रही हूँ। अब आप सोच रहे होंगे चावल का आटा ना हो तो क्या डालें, तो आप यहाँ डाल सकते हैं अरारोट पाउडर, कॉर्नफ्लावर यानी कॉर्न स्टार्च जिसे बोलते हैं, चाहे तो ब्रेड क्रम भी डाल सकते हैं, या वो जो चिरवा आता है ना पोहा, उसको मिक्सी में पीसकर उसका पाउडर भी यूज कर सकते हैं बाइंडिंग के लिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन है। और ये देखिए मैंने अच्छी तरीके से आलू के मिक्स को तैयार कर लिया है। तो चलिए अब हम थोड़ा सा एक छोटे आंवले जितना एक बॉल तोड़ेंगे, इसे रोल करें और इसका एक सिलेंडर यानी लंबा सा इस प्रकार से एक रोल तैयार कर लें दबाते हुए इस तरह से। तो बस इस तरह हम सभी रोल्स को तैयार करेंगे। और ये लीजिए मैंने इस तरह से सभी रोल्स को सिलेंड्रिकल तैयार कर लिया है। अब ये मैंने ली है 1 बड़े चम्मच मैदा, थोड़ा सा डालेंगे इसमें पानी, सिर्फ 1 छोटी चम्मच, और इसका गाढ़ा सा पेस्ट बना लेंगे। और ये देखिए इस तरह से पेस्ट हमारा तैयार हो गया। तो चलिए अब आटा चेक कर लेते हैं, 15 मिनट हो गए हैं, परफेक्ट आटा बिल्कुल बढ़िया सेट हो गया है। एक बार और इसे अच्छे से मसल लेते हैं। अब आप आटे को इस तरह से एक लंबा रोल जैसा बना लीजिए, इसको अब हम लगभग 3 भाग में अलग कर लेते हैं। और इस तरह से एक लोई सी बना करके अब हम एक लेंगे बेलन, और इसको डायरेक्ट हम बेल लेंगे। यहाँ पर ऑयल या आटा छिड़कने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो हमने मोइन डाला है उसी से बढ़िया ये बेल जाती है। आपको कोई परेशानी हो तो थोड़ी सी मैदा छिड़क कर बेल सकते हैं। और ये देखिए बिल्कुल इस तरह से जैसे रोटी बेलते हैं ना, बिल्कुल ऐसे ही आपको थोड़ा सा बड़े साइज का बेल लेना है, जैसे समोसे के लिए रखते हैं ना, बिल्कुल ऐसी थिकनेस का हमको रखना होगा। और उसके बाद तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, बस इसको आप 4 भाग में डिवाइड कर दीजिए इस तरह से, और एक बार इस तरह से, ये हो गया। तो आपको एक पीस इस तरह से तिकोना मिल गया। तो अब हमें यहाँ क्या करना होगा, आप एक नाइफ से एक यहाँ से हम कट करेंगे,
और इसी तरह से एक हम यहां से कट लगाएंगे, फिर एक यहां से। और ये देखिए कि ये तीनों लाइन मैंने थोड़ी छोटी बड़ी रखी हैं, इस तरह बड़ी, फिर थोड़ी छोटी, फिर थोड़ी और छोटी। इसी तरह यहां से भी कट कर लेंगे हम, तो बिल्कुल इसके टच नहीं करेंगे। ये देख रहे हैं आप कौन, यहां से कट नहीं करेंगे, थोड़ी दूरी से कट करेंगे बस। तो बस आपको ये ध्यान रखना है जो बीच वाली लाइन है ना, ये जुड़ी रहनी चाहिए। और ये देखिए कुछ इस प्रकार से ये आपको तिकोना मिल जाएगा। तो मैंने अच्छे से आपको इसलिए एक्सप्लेन कर दिया जिससे आपको किसी भी प्रकार की परेशानी ना हो। इसी तरह से मैं एक बार आपको और दिखा देती हूँ। ये देखिए कुछ इस तरह से। तो सभी को इसी तरह तैयार करेंगे। अब आप लीजिए इस तरह से एक तिकोना, जो भी ट्रायंगल हमने तैयार किया था, और लेंगे हम ये मैदा वाला पेस्ट, और पेस्ट को इसके इस तरह से किनारों पर, जिससे कि जब हम समोसे को बनाएं तो वो बिल्कुल फटे नहीं। आप पानी भी लगा सकते हैं, और सारी लाइंस जो भी हमने कट की थी उन पर भी लगा देंगे। अब हम लेंगे हमारा रोल, और रोल को हल्का सा यूं दबाते हुए इस पर यहाँ से रखेंगे। थोड़ी स्पेस नीचे छोड़ देंगे और ऊपर थोड़ी स्पेस छोड़ेंगे। ये वाला पोर्शन इसके ऊपर लगाएंगे इस तरह से। सुपर्ब, और देखिए कितना सुंदर हमारा नए स्टाइल का जाली समोसा तैयार होगा। और ये पोर्शन इस तरह दबाते हुए यहाँ पर स्टिक कर देंगे। और ये देखिए हमारा जाली पैकेट समोसा लग रहा है ना, कितना सुंदर, और बनाना कितना आसान है, बस कट लगा कर इस तरह सारे पीसेस बना लीजिए। तो सभी को हम बिल्कुल इसी प्रकार तैयार करेंगे। और लीजिए हमारा दूसरा पीस भी तैयार है। तो इसी तरह सभी को हम बना लेंगे। अभी जाली समोसों को तैयार कर लिया है, और ये देखने में कितने सुंदर लग रहे हैं, बहुत ही प्यारी इसकी लुकिंग आई है। बनने के बाद तो ये और भी अच्छे लगेंगे। मैंने एक कढ़ाई में लिया है ऑयल, और ऑयल मैंने अच्छे से मीडियम फ्लेम पर गर्म कर लिया है। फ्लेम को यहाँ मैंने लो मीडियम कर दिया है, बहुत ज्यादा हाई फ्लेम पर हम इसे बिल्कुल नहीं सेकेंगे, वरना ये बहुत ज्यादा ऊपर से रेड हो जाएंगे, अंदर से प्रॉपर नहीं सेक पाएंगे। तो अच्छे से जब गर्म हो जाए तो फ्लेम को आप लो मीडियम कर दें। तो देखिए जैसे ही डाल रहे हैं बहुत तेज बबल आके ऊपर नहीं आ रहा है, इस तरह से हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, ऐसा गर्म हमें ऑयल चाहिए। जितनी स्पेस है कढ़ाई में बस उतने ही पीसेस को एक बार में आप फ्राई करें। और अभी हम इसको बिल्कुल टच नहीं करेंगे, जब ये हल्के से गोल्डन होकर ऊपर आ जाएंगे तब हम इसको फ्लिप करेंगे। हमारे समोसे हल्के हल्के ऊपर आ गए, तो एक फोक या स्पून की मदद से धीरे से पलट दें, और दोनों साइड से बिल्कुल गोल्डन होने तक हम इन्हें बढ़िया फ्राई कर लेंगे। ये लीजिए बहुत ही प्यारा गोल्डन कलर आ गया है, ये देखने में इतने सुंदर लग रहे हैं कि जब तक बनाएंगे आपके ही मुंह में पानी आ जाएगा, इतने सुंदर और खस्ता, क्योंकि लो फ्लेम पर इनको हमने फ्राई किया है। ये देखिए मैं आपको पास से दिखाती हूँ कितनी सुंदर इसकी डिजाइन आई है, कि सब देखते रह जाएंगे कि ये कैसे बनाया आपने। हर तरफ से क्रिस्पी, क्रंची और कितने सुंदर। और ये लीजिए बिल्कुल तैयार है हमारे नई तरह के झटपट बनने वाले क्रिस्पी क्रंची जाली पैकेट समोसा। ये देखने से ही लग रहे हैं ना कितने सुंदर। ये देखिए और ये देखिए मैं आपको एक तोड़कर दिखाती हूँ। सुना आपने आवाज, ये ज्यादा देर तक भी क्रिस्पी बने रहते हैं। खास बात इन समोसे की ये है, मार्केट से जो हम समोसे लाते हैं या जो ट्रेडिशनली बनाते हैं वो जल्दी मुलायम पड़ जाते हैं, पर ये जल्दी नहीं मुलायम पड़ेंगे, क्योंकि जिस तरीके से हमने इन्हें बनाया है तो उसमें एक मटरी जैसा खस्तापन भी होता है, एक बहुत ही बढ़िया स्वाद होता है, और एक नई चीज हो जाती है। तो दिवाली पर आप इसे जरूर ट्राई करें। और मैंने ये क्रिस्पी खस्ता समोसों को यहाँ सर्व किया है हरे धनिए की चटनी और केचप के साथ। आप अपने मनपसंद किसी भी चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं। और जिस तरह मैंने ये बनाए थे, तो जो फ्राई करने से पहले आप एक एयर टाइट बॉक्स में फ्रिज में रख दें, तो अगर आपको दूसरे दिन इसको तैयार करना है तो बस तभी निकाल करके आप फ्राई कर लें। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज 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 लाइक जरूर कीजिए, सभी फैमिली फ्रेंड सोशल साइट्स पर शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग कुक विद पारुल। जय हिंद, जय भारत।